हमारे आदरणीय स्वामी जी चिन्मयानंद जी को भी मैं बधाई देता हूं। पंत जी करेंगे, मैं पुनः उनका वाराणसी में हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी ने वहां पर एक फ्रेम ले लिया काशी को एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए, बहुत बड़ा है फोर लेन से जोड़ा गया काशी को, उसमें लाइटिंग लगाई गई थी। आप आश्चर्य करेंगे वो लाइटिंग को चोरी करते हुए समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी पकड़ा गया। मैं देख रहा हूं कई जगह ये लोग अपने घरों में दूध निकाल करके और बछड़े और गाय को जबरदस्ती किसानों के खेत में छोड़ने का कार्य कर रहे हैं। राजपुर को अमर बलिदान की धरती है, उन्होंने देश को कुछ दिया है और जब देश को कुछ दिया है तो आज साधनापुर के विकास के लिए कुछ कार्य किए जाने की आवश्यकता हो तो सरकार को देना चाहिए। आपके लिए बड़ा संग्रहालय बन रहा है साधनापुर में, साधनापुर में संग्रहालय बनकर के जहां पर पंडित राम प्रसाद जिसने ठाकुर रोशन सिंह बस्ता उल्लाखना के पूरे जीवन दर्शन को आने वाली पीढ़ी के प्रस्तुत तो किया ही जाएगा, लेकिन वहां पर एक बहुत समृद्ध लाइब्रेरी भी होगी, अत्याधुनिक सुविधा से जुड़े हुए लाइट एंड साउंड के कार्यक्रम को उसके साथ जोड़ेंगे, कारपोरी कांड को जीवंतता के साथ वर्तमान पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करके मातृभूमि के प्रति हम, और साथ ही साथ यहां पर डिग्री कॉलेज का निर्माण भी एक साथ हो जाए। कहीं कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके पास अभी तक जिन्हें राशन कार्ड नहीं मिल पाया, जिन्हें पेंशन की सुविधा नहीं मिल पाई, हम लोगों ने उसी दिन आदेश दिया कि कोई परिवार, कोई गरीब परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए जो राशन कार्ड से वंचित हो जाए। और मैं फिर कहूंगा कि हर हाल में 15 जनवरी के अंदर तक हर परिवार को राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से काम पूरा करे। वहीं कैंप लगा करके, क्योंकि ऑनलाइन से हर व्यक्ति इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाता, प्रयास होना कि कैंप लगे और पात्रता की जांच होने के साथ ही जनप्रतिनिधियों के हाथों फटाफट वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन की सुविधा हर पात्र नागरिक को उपलब्ध कराने का कार्य भी प्रशासन करे।